सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी ब्लेस यू। धन्यवाद धन्यवाद, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। दुआ करिए पास्टर जी, आ जाओ। हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो स्तुति हो खुदावन, तेरी स्तुति खुदावन, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जलाल मिले, नाम को जलाल मिले खुदावन जी, तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया यीशु मसीह, प्रभु तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो। एक्सक्यूज मी, हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम, bless your name, bless your name, bless your name Lord Jesus, we bless your name Lord Jesus, we magnify you, magnify you, magnify you। Hallelujah hallelujah Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, thank you, thank you, Jesus of Nazareth. 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 Jesus of Nazareth. We thank you, Lord. We thank you, thank you, thank you. Tera dhanyavad, dhanyavad. Jesus of Nazareth, we thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. खुदावंद हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, खुदावंद हम तेरे हजूर में
तेरी हम्द तेरी स्तुति के लिए आते हैं खुदावन, तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावन, तेरे खुदावन तेरे कदमों में आनंद की भरपूरी है। इन योर प्रेजेंस देयर इज द फुलनेस ऑफ जॉय एंड एट योर राइट हैंड देयर आर प्लेजर्स फॉर एवर मोर। लॉर्ड वी ब्लेस यू। हम तेरी हजूरी के मुश्ताक हैं, प्यासे हैं खुदावन, तेरी हजूरी के तालिब हैं, तेरी हजूरी को ढूंढते हैं। हालेलुया। आप में से काफ़ी लोग उपवास में हैं, जब हम प्रभु के हजूर में उपवास में ठहरे हैं प्रार्थनाएं करेंगे हम 3 दिन प्रभु के हजूर में, तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। यीशु मसीह की एक बड़ी अद्भुत आज्ञा है। क्या आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में एक हुक्म देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तो ये शिक्षा यीशु मसीह दे रहे थे। एक्चुअली असल में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह का पहला सर्मन है ये। इफ यू सी क्रोनोलॉजिकली, दिस इज जीसस फर्स्ट सर्मन ही एवर प्रीच्ड। दिस सर्मन स्टार्टेड इन मैथ्यूज चैप्टर नंबर 5 एंड दिस सर्मन कंटिन्यूज टिल चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के पहले वर्सेस में जाके ये खत्म होता है। पहला सर्मन यीशु मसीह का, तो उसमें क्या कहते हैं मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय में, मत्ती 7:16 से पढ़ता हूँ। मोर एवर वेन ई फास्ट बी नॉट एज हिपोक्रिट्स ऑफ ए सैड कॉन्टिनेंस फॉर दे डिसफिगर देयर फेसेस दैट दे मे अपीयर अनटू मैन टू फास्ट वेरली आई से अनटू यू दे हैव देयर रिवॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं जब तू उपवास करे तो पखंड मत करना, पखंडियों की तरह, हिपोक्रिट पखंडियों की तरह मत करना, क्योंकि वो अपना चेहरा उदास बनाते हैं। जीसस इज सेइंग व्हेन यू मेक अ रिजॉल्व टू फास्ट डोंट डू लाइक द हिपोक्रिट फारसीज एंड सैड्यूसीज दे डिसफिगर देयर दे स्मीयर देयर फेसेस विद एशेज एंड दे कीप देयर हेयर अनकैम्प्ड एंड दे वेयर यू नो शैबी क्लोथ्स सैक क्लोथ्स नॉट बिकॉज दे आर ट्रूली ब्रोकन ऑन द इनसाइड but because they want to impress people on the outside with their external demeanor. So this is what the religious folks of Jesus's day who were hypocrite, they wanted to appear very righteous, very upright and very, you know, God-fearing from their outward gestures. Yeshu Masih kehte hain ki jab tu upvas kare तो उन पखंडियों की तरह मत करना। वो सैक क्लोथ पहनते थे, टाट ओढ़ते थे, राख मल लेते थे अपने चेहरे पे, बालों में डालते थे और लोगों को दिखाते थे कि हमने उपवास रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपीयर अन टू मैन। बहुत सारे लोग आत्मिक काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अपना कोई भी आत्मिक काम लोगों को दिखाने के लिए, डू नॉट पुट योर स्पिरिचुअलिटी ऑन अ डिस्प्ले विंडो एंड डू नॉट ट्राई टू, डू नॉट मेक एंडेवर टू कैपिटलाइज ऑन योर स्पिरिचुअलिटी दैट पीपल मे गिव यू अप्रिसिएशन, पीपल मे थिंक यू नो सच अ नोबल सोल यू आर एंड इन रिटर्न पीपल मे शावर मनी एंड ब्लेसिंग ऑन यू। यीशु मसीह कहते हैं ये बात
शैतानी है। यीशु मसीह कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। आपको मालूम जितने सेक्रेड चीजें होती हैं वो आप प्राइवेसी में करते हैं। एक पति अपनी पत्नी के संग जब इंटीमेट होता है तो वो एक प्राइवेट चेंबर में, प्राइवेसी में जाता है। परमेश्वर के संग संगति करना भी ऐसे ही है। इफ यू डिस्प्ले दैट वुड बी कंसिडर्ड वल्गैरिटी एंड प्रोफैनिटी। सो दिस इज स्पिरिचुअल वल्गैरिटी एंड प्रोफैनिटी एंड दिस इज डन विद द एम टू रिसीव अप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल सो दैट पीपल मे थिंक दैट यू आर वेरी राइचियस, वेरी होली एंड वेरी स्पिरिचुअल। यीशु मसीह कहते हैं ऐसा मत करना अपने उपवासों में। समझ रहे? मत्ती रचित सुसमाचार 6:16, Matthew 6:16। पर क्या कहते हैं? बट दाओ वेन दाओ फास्टेस्ट एनॉइंट दाइन हेड एंड वॉश दाई फेस। अपना चेहरा धोना और अपने सर पे तेल मलना। हालेलुया। दैट दाओ अपीयर नॉट अनटू मेन टू फास्ट। लोगों को दिखाई ना दे कि तू उपवास रख रहा है। अब हमें ये फास्टिंग में इसलिए लोगों को बताया हमने कि लोगों को अपने संग मिलाएं, मोटिवेट करें कि लोग हमारे संग उपवास रखें। तो हमारे हृदय की मनसा लोगों से कोई रिटर्न लेने की नहीं है उपवास के लिए, या लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि इसलिए है कि बहुत सारे लोग हमारे संग मिलकर उपवास रखें, बहुत सारे लोगों को उपवास रखने की आदत पड़े, बहुत सारे लोगों को सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के प्रार्थना करने की आदत पड़े, बहुत सारे लोग। एक प्रभु का एक भाई हैं जिन्होंने कल बहुत सारे लोग मुझे गवाहियाँ लिख लिख के भेज रहे हैं। एक भाई ने गवाही लिख के भेजी, बहुत हृदय को छूने वाली, कि वो 12-13 साल से प्रभु के पीछे चल रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। वो बता रहे हैं कि बस बरकतें बरकतें बरकतें, ये मिल रहा वो मिल रहा है, यही कह रहे थे। मैंने कलाम सीखा, मुझे यीशु मसीह की पहचान नहीं मिली, मैं यीशु मसीह के नज़दीक नहीं आया, मैंने यीशु मसीह का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में। तो कह रहे हैं लॉकडाउन से मैंने वचन सुनना शुरू किया। भाई लिख रहे हैं कि अब मैं यीशु मसीह को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसकी पहचान में, उसके सानिध्य में, उसके प्रेम में बढ़ रहा हूँ। और भाई ने मुझे लिखा कि मैसेज भेजे कि वो अब प्रार्थना करते हैं, वचन मनन करते हैं और बता रहे हैं कि मैं आपके जो जो वचन मैं देता हूँ ये मेरा तो नहीं है, प्रभु का वचन है, इसकी मैं रत्ती भर भी कोई महिमा लेने की कभी अभिप्राय नहीं मेरा, ये प्रभु का वचन है। तो कहते हैं मैं आपके वीडियोस को बार बार सुनता हूँ, पीछे करके और पीछे कर करके सुनता हूँ और नोट्स बनाता हूँ, और मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए और प्रभु का कलाम सीखा है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने लॉकडाउन के दौरान कहा था कि 10 बजे 10-10 आयतें याद करता था ब्लैक बोर्ड पर लिख के, फिर मिटाता था, फिर लिखता था, फिर उन्हें अपनी मेमोरी से लिखता था। तो बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारा प्रभु का वचन मेमोराइज करना, हालेलुया, शुरू किया और बहुत सारा कर चुका हूँ मैं। तो ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को भर रहा है अपनी सामर्थ्य से। मेरे को बहुत सारे पासवानों ने लिखा कि वो MTH किए, BD किए, लेकिन उनको 5 साल में नहीं सिखाया जो कह रहे हैं आपने हमें 4 महीने में सिखा दिया वचन। वो सेमिनरी में, बाइबल कॉलेजेस में हमने 5 साल में नहीं सीखा। बहुत सारे जवान पास्टर बताते हैं मुझे कि वो मैसेज सुन सुन के सेवक बन गए हैं। आपको फेसबुक पे 1400-1500 वीडियोस मिलेंगे अलग अलग विषय के ऊपर, परमेश्वर के वचन पे गहरा चिंतन, गहरा अध्ययन। लोग बताते हैं कि कभी हमने नहीं सीखा ये वचन, सुना नहीं कहीं कि ये बातें परमेश्वर के कलाम में थी। बहुत सारे सेवक सीख रहे हैं प्रभु का वचन, अब मुझे गवाहियां लिख के बताते हैं, विश्वासी हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 डायरीज भर दी हैं वचन से। ऐसे प्रभु के लोग हैं, मुझे शाम को बैठ जाते हैं, 15-15, 20-20 लोग गाँव में इकट्ठा होते हैं, LED पे लगा देते हैं। किसी एक विश्वासी के घर में LED होती है, वहाँ पे 15-15, 20-20 लोग, 30-30 लोग मिलके सुन रहे हैं। और सारे मेरे को कई फोटोज़ भेजते हैं,
सारे बैठ के बहनें भाई लोग नोट्स बना रहे हैं, बच्चे नोट्स बनाते हैं। हालेलुया। ये काम दुनिया के कई देशों में प्रभु कर रहा है। मैं एक छोटी सी जगह में बैठा हुआ हूँ और एक फोन है मेरे पास, उसी को हाथ में लेके सारा काम मैं कर रहा हूँ, उस फोन से ही, और वो साधारण ही फोन है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु को बस दिल चाहिए। हालेलुया। तो जगह जगह से मैं टेस्टमनी, मेरे को ऑडियो भेजते हैं लोग, वीडियो बना बना के भेजे, फोटोज भेजी हैं कि ऐसे प्रभु अद्भुत काम हमारे जीवनों में कर रहा है। तो इस सब के लिए हम यीशु मसीह को ही महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह को जलाल देते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। दिस इज हिज वर्क, दिस इज नॉट मैन्स वर्क, एंड दिस इज जीसस डूइंग विद दिस सावरेन राइट राइचियस हैंड दैट ही इज टचिंग लाइव्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। All over the world, there are groups that have been established who listen to the word of the Lord. Hallelujah. तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्स नंबर 18, मैथ्यू 6:18 में जीसस क्या कहते हैं, यीशु मसीह 17 में कहते हैं कि when you fast, you anoint your head and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy father which is in secret. You don't do any spiritual activity in order to impress people, in order to gain some kind of mileage. Don't build your ministry by displaying your spiritual activities or spiritual talents. Do all these things in secret. यहाँ पे लिखा है, but unto thy father which is in secret, and thy father which seeth in secret. So where does the father see? When you are displaying things and putting to the public eye, you are putting it on the display window for world to watch. People may applaud you, people may appreciate you, people may say all kind of good things about you, but that is all what you will get. Because the word says, Jesus says, the Father sees in the secret. पिता गुप्त में देखता है, पिता कभी पब्लिक में नहीं देखता। जो काम क्रिश्चियनिटी के अंदर इस समय सोशल मीडिया के ऊपर डिस्प्ले करते हैं लोग अपने टैलेंट्स को, सिर्फ ब्रैग करने के लिए, दिखावे के लिए, बनावटीपन के लिए, बहुत सारा प्लास्टिक काम है क्रिश्चियनों के अंदर। टू मच प्लास्टिक एक्टिविटी, टू मच फ्लेकी स्टफ, टू मच एक्सटीरियर, बहुत सारा मेकअप है दिखाने के लिए, ओरिजिनल ऑथेंटिक काम नहीं है। यीशु मसीह बता रहे हैं पिता क्या करता है, पिता सीक्रेट में देखता है। जब आप अपने कमरे के अंदर गुप्त छिपे हुए हैं, अगर आप डिस्प्ले कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ फेसबुक पे दिखाया, जैसे किसी ने मेरे को भेजा, एक पैकेट दे रहे हैं किसी विश्वासी को और 7 लोगों ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है और फोटो खिंचवा के डाली हुई है। एक ग्रोसरी का पैकेट है, उसमें 2 kg 3 kg स्टफ होगा और 7 या 8 लोगों ने अपना हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर फोटो डालने के लिए। भाई और बहनों, क्या लेना हमें लोगों की अप्रिसिएशन लेके, क्या लेना है? हम लोग इन एक्टिविटीज़ को ह्यूमन डिस्प्ले के लिए नहीं रखते, क्योंकि प्रभु एम्फेसिस देते हैं कि ये सब चीज़ें सीक्रेट में चाहिए। हालेलुया। क्यों प्रभु ने कहा कि जब तेरा राइट हैंड ब्लेसिंग देता है किसी को, तो तेरे लेफ्ट हैंड को पता ना लगे? क्योंकि प्रभु चाहते हैं, प्रभु जानते हैं, जब आप इन चीज़ों को डिस्प्ले करोगे, आप लोगों की अप्रिसिएशन ढूंढोगे, लोगों की वाहवाही बटोरोगे, फिर और पैदा होगी और वाहवाही लोगों की इकट्ठी की जाए, और लोगों की अप्रिसिएशन आपको मिले, फिर और लोगों की अप्रिसिएशन आपको मिले, फिर और दिखावटीपन और बनावटीपन और शोकेसिंग की जाए और डिस्प्ले विंडो पे रखा जाए, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, और
फिर आपके पीछे आएगा अंधकार का राजा और वो इंजेक्शन लगाएगा आपको घमंड के, भरेगा आपको, पंप अप करेगा घमंड से, और एक दिन आएगा जब आप गिर जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, प्रभु हमें बचाते हैं। हालेलुया। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहते हैं सीक्रेट में देखता है वो रिवॉर्ड ओपन। हालेलुया। आवर फादर विल सी यू इन सीक्रेट, आवर फादर विल नॉट सी यू व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग पब्लिकली। फादर इज नॉट सीइंग, पीपल आर सीइंग। तो आपको रिवॉर्ड भी वो देंगे जो देख रहे हैं, लेकिन पिता तो सीक्रेट में देखता है और वो रिवॉर्ड पब्लिकली देगा। हालेलुया। तो अभी जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, जो पहले मैसेज में यीशु मसीह ने सरमन दिया, पहाड़ी उपदेश दिया। तो प्रभु यीशु मसीह इसमें क्या कहते हैं, इसके 25 वचन में आइए आप, 25th वर्स मत्ती 6:25 में, देयरफोर आई से अनटू यू, टेक नो थॉट फॉर योर लाइफ व्हाट यू शैल ईट और व्हाट यू शैल ड्रिंक, नॉर येट फॉर योर बॉडी व्हाट यू शैल पुट ऑन। इज नॉट द लाइफ मोर देन मीट एंड द बॉडी मोर देन रेमेंट। यीशु मसीह का पहला सरमन है। यीशु मसीह अपने पहले सरमन में, अपने पहले मैसेज में क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कल की क्यों थॉट करता है, अपने अंदर कल की थॉट मत आने दे, फ्यूचर की। फ्यूचर की थॉट आपके अंदर एंजाइटी पैदा करेगी। प्रभु कहता, और प्रभु कहता है किस चीज़ की चिंता मत कर कि क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या वस्त्र अपने बदन पे डालेगा। प्रभु कहते हैं क्या जीवन खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या शरीर कपड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु क्या बता रहा, प्रभु बता रहा आपका जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका शरीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर प्रभु क्या कहते हैं, 26 ऑफ द एयर, प्रभु कहते हैं आकाश की ओर नज़र उठा के आकाश के परिंदों को देखो, फॉर दे सो नॉट नीदर डू दे रीप नॉर गैदर इन बार्न येट योर हेवनली फादर फीडेथ देम, आर यू नॉट मच बेटर देन दे। हालेलुया। दिस इज ऑसम स्क्रिप्चर। यीशु मसीह कहता है आकाश के परिंदों को देख, पंछियों को, वो ना बोते हैं, ना उनकी कोई ज़मीन है, ना उन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है, ना उनका घर मॉर्टगेज हुआ है, ना उनके पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना रेफ्रिजरेटर रखा है घर में, ना इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेज हैं, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है। पंछियों के संग जो ये पंछी हैं, जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये लोअर लाइफ है, मनुष्य हायर लाइफ है। लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर का इनके संग भी कवनेंट है, वाचा है। आपको मालूम परमेश्वर की पंछियों से, जानवरों से, कैटल से, सबके संग वाचा है। आप पूछोगे कहाँ है ये वाचा, तो आपको जेनेसिस चैप्टर नंबर 9 पढ़ना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, जब नूह कश्ती से बाहर आया और उसने यहोवा के आगे जगवेदी बना के शुद्ध जानवरों का बलिदान दिया और लहू बहाया, क्योंकि प्रभु का स्वर्गीय विधान कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। और जब वो कुर्बानी करता है तो परमेश्वर आपको मालूम क्या करता है, वाचा बांधता है। वाचा, परमेश्वर वाचा बांधता है बीस्ट से, जंतुओं के साथ, द बीस्ट ऑफ द अर्थ वहां पे पढ़े लिखा है। फिर परमेश्वर वाचा बांधता है कैटल से, एनिमल से। फिर परमेश्वर वाचा बांधता है फाउल्स ऑफ द एयर, पंछियों के साथ। फिर परमेश्वर मनुष्य के साथ। चार हैं इस सृष्टि में, सुन लीजिए ध्यान से, बीस्ट है, कैटल और हर्ड हैं, और फाउल्स ऑफ द एयर हैं, और मनुष्य। चारों के संग यहोवा वाचा बांधता है। अब आप कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने सी क्रीचर के संग वाचा नहीं बांधी, मछलियों के साथ, वेल्स के साथ, शार्क के साथ वाचा नहीं बांधी परमेश्वर ने। आपको मालूम क्यों नहीं बांधी, क्योंकि पानी के अंदर जो किंगडम है, सी वर्ल्ड जो है, वो ओरिजिनल है।
जब नूह की जल प्रलय आई, यहोवा परमेश्वर ने नूह से ये नहीं कहा था कि कुछ मछलियों को निकाल के एक्वेरियम में रख लेना, कुछ कछुओं को रख लेना, कुछ क्रैब्स को, लॉबस्टर को, कालामारी को, स्क्विड को रख लेना, थोड़ी सी पिराना, थोड़ी सी शार्क रख लेना अपनी आर्क पे। आपको मालूम उनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जल में जीवित रहे। तो परमेश्वर वाचा बांधता है चार से, सुन ले ध्यान से, बीस्ट के साथ, परमेश्वर वाचा बांधता है कैटल के साथ, जानवरों के साथ, और परमेश्वर वाचा बांधता आकाश के परिंदों के साथ, और परमेश्वर वाचा बांधता है मनुष्य के साथ। चार के साथ वाचा है। और आपको मालूम इसका भेद क्या है, ये चार कहाँ हैं? ये चारों स्वर्ग में हैं ऑलरेडी। आप पूछेंगे कैसे? परमेश्वर के वचन में देखिए आप, जो चरबम हैं, करूब हैं, जो परमेश्वर यहोवा के सिंहासन को उड़ा के लेके चलते हैं, उनके एक एक के चार चार चेहरे हैं। एक उकाब कौन है? उकाब है पंछियों की किंगडम का बादशाह, परिंदों की दुनिया का बादशाह है ईगल। फिर दूसरा चेहरा है बैल का, जानवरों की किंगडम का बादशाह है बैल। तीसरा चेहरा है शेर का, बीस्ट, जो जंतु हैं, जंतुओं की किंगडम का राजा है शेर। और चौथा चेहरा है मनुष्य का। ये चारों के संग यहोवा की वाचा है, हालेलुया। और ये वाचा कभी टलेगी नहीं, धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु यहोवा का। तो प्रभु यहोवा कहते हैं कि आकाश के परिंदों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना बांझ में रखते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी क्या करता है? कोई भी भूखा नहीं सोता, यहोवा परमेश्वर उनकी पालना करता है। फिर क्या कहता है प्रभु? विच ऑफ यू बाय टेकिंग थॉट कैन ऐड वन क्यूबिट टू हिज स्टैचर, एंड व्हाई टेक थॉट, 28 वचन, फॉर रेमेंट? कंसिडर द लिलीज ऑफ द फील्ड, हाउ दे ग्रो, दे टॉयल नॉट, नीदर डू दे स्पिन। प्रभु कितना गहरी बात बता रहा है। प्रभु बता रहा है स्वर्गीय पिता की प्रोविजन। हमारा स्वर्गीय पिता कितना सुपर नेचुरली प्रोवाइड करता है। प्रभु क्या मिसाल देते हैं? प्रभु मिसाल देते हैं पंछियों की। कौन उनकी प्रतिपालना करता है? यहोवा। इतने कपड़े की क्यों चिंता करते हो? देखो लिलीज को, वैली की लिलीज को देखो, रोजेज को देखो, गुलाब के फूलों को देखो, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत फूलों को देखो। उनको इतने बढ़िया कपड़े किसने पहनाए हैं? वो जो रंग है ना फूलों की पत्तियाँ, प्रभु उसको जो कपड़े हम पहनते हैं उनके कलर से कंपेयर कर रहा है। प्रभु कहता है सुलेमान के पास भी इतने वैभव वाले कपड़े नहीं थे। कितना खूबसूरत रंग, ग्राफिक्स यहोवा इन फूलों को देता है, तो वो तुम्हें क्यों ना बढ़िया बढ़िया रेमेंट देगा? यीशु मसीह सिखा रहे हैं, चिंता आपको जोड़ती है जमीन के सिस्टम के साथ। जब आप चिंता करते हो, आप जिस्मानी जो सिस्टम है, बेबलोनियन जो किंगडम है, जमीन की जो बादशाही है, इसके संग अपने आप को जोड़ते हो। चिंता आपको मनन कराती है आपकी कितनी सैलरी है, आपके बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है, आपको कितनी दिहाड़ी मिल रही है, आपके कितने रिसोर्सेज हैं, आपके खेतों की कितनी पैदावार है, आपके बैंक में कितना पैसा है, अब ये बिल कैसे दिए जाएंगे, बच्चों की फीस के लिए कहाँ से आएगा, डॉक्टर्स के पास जाना है पैसा कहाँ से आएगा, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी। ये चीज़ें जब आप चिंता करते हो तो शैतान आपको ये दुनिया के सिस्टम से जोड़ के रखता है, ज़मीन से। जमीन देगी तुझे, प्रभु यहोवा कहता है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक और सिस्टम है स्वर्गीय। यीशु मसीह कहते हैं ऊपर के देखो आकाश के परिंदों को, कि एक सुपर नेचुरल सिस्टम है जो यहोवा हमारे पिता ने एस्टैब्लिश किया है। ही विल सब, क्या कहता है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कहता है माई गॉड शेल सप्लाई ऑल योर नीड्स According to his riches and glory by Christ Jesus. He is telling the church at Philippi. फिलिपियों की कलीसिया प्रेरित पौलुस की सेवकाई में बोती है। फिलिपियों की कलीसिया को अप्रिशिएट करता है प्रेरित पौलुस। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के विषय में ये कहता है कि केवल तुम ही हो जिन्होंने पैसे से मेरी सहायता की है। प्रेरित पौलुस ने 42 या 43, 42 या 43 कलीसियाओं की स्थापना की। मसीहत के इतिहास की सबसे पहली
बड़ी कलीसियाएं प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित हुईं। महान प्रभु का अद्भुत दास था वो, लेकिन कोई भी कलीसिया, बड़ी धनी धनी कलीसियाएं थी, बहुत रिच कलीसियाएं थी कहीं, जैसे एफसस की कलीसिया, रोम की कलीसिया, लेकिन कोई भी कलीसिया प्रेरित पौलुस के लिए उसकी सेवकाई में पैसा थी। फिलिपियों की मंडली, फिलिपियों की कलीसिया इतनी अमीर नहीं थी। वचन में लिखा है एपाफ्रोडिटस के हाथ, सेवकों के हाथ पैसा भेजते थे जब प्रेरित पौलुस दूर दूर गया होता था, भेजते थे जिसकी प्रेरित पौलुस को जरूरत होती थी। और आपको मालूम उस समय पहुंचने के लिए लोगों को महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता था। फिर भी प्रभु के भक्त दास ऐसे थे जो डेढ़ डेढ़ दो दो महीने की दुर्गम यात्रा करके प्रभु के बंदों के पास सहायता लेके जाते थे। तो प्रेरित पौलुस, फिलिपियों की पत्री पढ़िएगा, पहले अध्याय में उन्हें अप्रिशिएट करता है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम ही हो जिसने मेरी सहायता की है और किसी ने नहीं की। वो दुनिया के कोने कोने में गया भाई और बहनों, और आज से 2000 साल पहले यात्रा करना बहुत खतरे से भरा होता था, क्योंकि उस समय जो शिप नहीं इन्वेंट हुए थे, मोटर व्हीकल इन्वेंट नहीं हुए थे, मोटर जो होती है ना जिससे शिप चलते हैं, टरबाइन, इसकी खोज नहीं हुई थी उस समय। तो समुद्री जहाज बड़े बड़े लॉग्स के बनते थे, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों के बनाए जाते थे, और बड़े कपड़े लगते थे उनके अंदर, उसमें हवा भरती थी और जिधर की हवा चलती थी उधर को शिप जाते थे। पढ़िएगा प्रेरित पौलुस का लाइफ कैसी थी, कितने दुख और कष्ट भोग के वो प्रभु का दास सेवा करता है। आपको मालूम अपने जीवन के अंतिम दिनों में तिमोथियस को पत्री लिखता है, सेकंड तिमोथी, और नजर बंद है किसी जगह, और उसके बाद उसका सर कलम कर दिया जाना है, रोमन गवर्नमेंट उसका सर काट देती है। तो प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या कहता है, सर्दी के दिन आने वाले हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, तिमोथियस को चिट्ठी लिखता है कि मेरा जो कोट है, ओवरकोट गरम, वो ले आना। प्रेरित पौलुस के पास वार्डरोब भरी नहीं थी कपड़ों से, और प्रेरित पौलुस क्या कहता है, और जो स्क्रोल रखे हैं, लेदर के स्क्रोल होते थे जिन पे कलाम लिखा होता था, प्रेरित पौलुस कहता है ब्रिंग द स्क्रोल्स। यू नो पॉल डिड नॉट इवन हैव एडिक्वेट क्लोथ्स। Winter was coming and he writes to Timothy, a very, very intimate letter. Timothy was his son in faith. Paul describes all the struggle that he undertook to spread the fragrance of the Lord Jesus Christ. His life always remained in jeopardy, going from one nation to the other. The travels were full of peril in those days. But Paul was determined. He was resolute to make Jesus known. He knew in Jerusalem itself that he is going to die. He embarked on the journey in which he was going to be executed by the Roman government. Just imagine, would you embark on a journey when before you set out on a journey, a prophet named Agabus would come and tell me, today's prophet, they will prophesy, God is going to give you real estate, God is going to give you new business, God is going to prosper you, God is going to do this for you, God is going to bring another breakthrough in your life. They will all talk goody goody goodies to bless you. But you know, prophets of God were cut out of a different rock. A prophet said, you are going to die. And Paul the apostle, when he meets the elder of the church at Ephesus, he tells them, you will not see my face again. Paul knew he was going to die. Look at the apostle, great apostle, who pioneered missions, who established the first 42 churches of Christendom. Nobody knew Jesus that time. To preach the gospel was very daunting task. Paul had to cut through different cultures. When he was going through Asia Minor, the Greek influence had really gripped human soul that time. Aristotle, Socrates, Herodotus, they were living in the consciousness of people that time.
So Paul had to debate with Epicurean philosopher, Stoic philosopher. There were myriad fascinating kind of philosophies. Paul was a learned man. He debated, he reasoned, he presented Jesus explicitly. He presented Jesus to the Greek, to the Romans, to the barbarian, to the Scythian, and even to the jealous religious Jews. And look at his life. Coming towards the conclusion, he's asking Timothy that he has an overcoat, long coat, that would keep his body warm. He's requesting, please bring that. Send in the hands of someone and bring the parchment, the scrolls. That was the possession Paul the Apostle had. That is all he had. He did not have a fleet of aircraft sitting in his hangar, and still he was demanding from another one, supersonic jet. Like today's false prophets and apostles. You know, the curse of this modern 19th century is pseudo-prosperity gospel. False prosperity gospel has brought the curse. It hasn't liberated people who live in low self-esteem and live in extreme poverty. It hasn't done any miracle there, except it has made few pastors wealthy. I have gone all over the world by the grace of the Lord Jesus. तो भाई और बहनों, प्रभु का वचन यहाँ पे, परमेश्वर कहता है, the Lord says, do not worry. In his very first sermon, Jesus is teaching. Why Jesus is saying that we shouldn't worry? Let me give you certain reasons. Jesus says that we shouldn't worry. Why he says we shouldn't worry? If you read verse 25, chapter number 6 of Matthew's, life is more than meat. So shouldn't worry for meat. Body is more than raiment. So shouldn't worry for the apparels. Men greater than material, verse number 25. So shouldn't worry for material things. Men greater than fowls, whom God feeds without their labor. Verse number 26. So we shouldn't worry. Change the body. Verse number 27. Men better than plant that do not worry about clothing. You know, plants and flowers saying, look, with beautiful, you know, graphics. You know, nobody can have fabric, you know, that design, that pattern that God has given to the flower. God's providence is over all his creation. Not only birds and plants that never buy, sell, or labor. Verse number 26 to 32. Worry is useless and sinful and must not be tolerated. Verse number 33 and 34. Worrying is a sin. Chinta karna paap hai. Malum aapko? If you worry, you are sinning against the Lord. Because Jesus commanded us not to worry. Hallelujah. Hallelujah. Worry kya hai? Chinta karna kya hai? Chinta karna sinful hai. Worrying is sinful and it will produce fear. Eventually, you will be fear-stricken if you continue to worry. Worry se kya paida hoga? Chinta se kya paida hoga aapke andar? Dar paida hoga. Samaj rahe aap? Hallelujah. Agar aap ek sickness se worry karoge, it will cause other ills on your body. अगर आप चिंता करेंगे और बोरो करेंगे, यू नो, आप विच यू कैन नॉट पे बैक. और आपको मालूम 90% जो आप चिंता करते हो वो इरेशनल होती है. 90% वो चीजें आपके संग घटती नहीं जिनके विषय में आप चिंता करते हो. हालेलुया. मुझे परमेश्वर ने सिखाया, मैंने सीखा प्रभु से, दैट हाउ आई शुड ओवरकम वरिंग. आपको क्या करना है?
आपको भाइयों बहनों सुनिए ध्यान से, आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन से अपने माइंड को भरना है। परमेश्वर का वचन जीवित है, इसके संग संगति करनी है परमेश्वर के कलाम के साथ। अपनी लाइफ में परमेश्वर के कलाम को चेरिश करना है, सर्वोच्च स्थान देना है परमेश्वर के कलाम को, अपने मन को भरना है परमेश्वर के कलाम से, वचन लिखना है, आयतों को याद करना है, उनको चेरिश करना है, ऐसे जैसे आप खाना खाते हो ना ऐसे कलाम च्यू करना है परमेश्वर के कलाम को, अपने अंदर लेके जाना है। और मैं परमेश्वर का वचन कई बार गाता रहता हूँ, अपने आप गाना बना लेता हूँ और गाता हूँ परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, परमेश्वर के वचन से प्रीति करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, परमेश्वर का वचन एक डेड लिखी हुई किताब नहीं है। हालेलुया, इसको अपनी लाइफ में चेरिश करना है। फिर भाई और बहनों अपने मुंह को भरना है स्तुति से, अपने मुंह में स्तुति भरना है, प्रेज द लॉर्ड। मैं साइकिल पे जाते, बाइक, साइकिल तो अब नहीं चलाता, बाइक पे जाते, गाड़ी चलाते, ऊपर जाते नीचे जाते, मैं प्रभु के भजन गाता रहता हूँ, मेरे मुंह में प्रभु की स्तुति बनी रहती है। कोलोसियंस में लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन योर हार्ट रिचली अबंडेंटली, अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन योर हार्ट एंड टेक डीप रूट्स ऑन द इनसाइड ऑफ यू। द वर्ड ऑफ गॉड विल डिवेलप ए डिवाइन कल्चर ऑन द इनसाइड ऑफ यू। The word of God, when you allow the word of God in your heart to dwell richly, then the word of God will begin to create a world on the inside. It will be the world of Yahweh on the inside of you. Then the writer of Colossians, Paul the Apostle, says, keep on singing hymns and spiritual songs and keep on making melody unto the Lord on the inside. On the inside, inwardly. People don't have to see it. People don't have to see what I'm doing on the inside. I can be talking to you at the same time I could be praying inside. I could be talking to you at the same time I could be meditating. I could be doing the chores of life. Simultaneously, I could be reflecting on the things of the Lord. Hallelujah. तो अपने दिल को, अपने अपने दिल के अंदर अपने मुंह को स्तुति से भरना है, अपने दिल में परमेश्वर के कलाम को जगह देनी है, परमेश्वर का कलाम रच जाए, बस जाए आपके अंदर। यू नो आई ऑलवेज टेल, द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, व्हिच मींस लिविंग, व्हिच लिटरली मींस द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अ लिविंग एंटिटी। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अ पर्सन। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज नॉट सम वर्ड्स यू नो जस्ट फ्लटरिंग इन द एयर। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज क्विक, दैट सिग्निफाइज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अ पर्सन एंड इट इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, इट्स अ स्पिरिट बींग एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज ऑफ द होली गोस्ट। Hallelujah. And this person, the word of the Lord is quick and living, and it is sharper than any double-edged sword. Why the writer of Hebrews says it is quick? Means it is so rapid. It is faster than the speed of light. Hallelujah. The word of the Lord is not slow and dull and insipid. It is so fast. And it is living, and it is sharper than any double-edged sword. Why the writer of Hebrews says it is sharper than any double-edged sword? Because the primary assignment of the word of the Lord is to cut. Such finesse is on the word of the Lord, such sharp edge the word of the Lord has, that it will cut through your soul and spirit. Your soul has a tendency to entangle with your spirit. And since your soul hasn't been regenerated, when you were born again, जब आपने नया जन्म पाया, आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ है, आपकी जान का नया जन्म नहीं हुआ है। पढ़ लीजिए यकूब, रीड जेम्स 1:21, यकूब 1:21 में लिखा है, योर सोल इज स्टिल अनरीजनरेटेड, आपकी जान का नया जन्म नहीं हुआ। आपकी जान में आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावना रहते हैं, और आपका जो सोल है, जान है, वो आपकी आत्मा के ऊपर हावी हो जाती है, और आपकी आत्मा पीने लगती है आपकी जान के सोते से। और आपकी जान के अंदर क्या है? आपका पुराना जीवन है।
आपने जो अगर MBA की है, MA इंग्लिश किया है, अगर आपने BEd किया है, अगर आपने PhD की है, MBBS किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की है, क्वांटम फिजिसिस्ट हो आप, जो कुछ भी लर्निंग की है आपने अपनी जान में की है, आपकी सोल के अंदर है। आपकी सोल है सीट ऑफ लर्निंग, सीट ऑफ आर्ट, सीट ऑफ एवरी थिंग दैट यू लर्नड, ऑल स्किल आपकी सोल के अंदर है सारे। तो आपकी सोल पानी पिलाने लगती है आपकी जान को, आपकी रूह को, जबकि आपकी रूह को आपकी सोल को नर्चर करना है। तो कलाम आएगा आपकी सोल को और आपकी स्पिरिट को अलग करेगा, ताकि आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे और अपनी जान की आवाज़ सुनाई दे, और आपको अपने शरीर की आवाज़ भी सुनाई दे। शरीर की अपनी कोई आवाज़ नहीं है, शरीर को आवाज़ देती आपकी जान, आपकी जान जिसने नया जन्म नहीं पाया है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कलाम क्या काम करता है? कलाम अलग कर देगा आपकी जान को आपकी सोल स्पिरिट से। आपको आपकी रूह अलग पता लगेगी, आपकी जान अलग पता लगेगी। और फिर क्या करेगा कलाम? आपके गुदे गुदे बंद बंद को काटेगा, आपकी पूरी एनाटॉमी के बीच में से निकल जाएगा खुदावंद का कलाम। और खुदावंद, यू नो व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इन योर बॉडी, in your whole being, the word says it enters into the bone marrow. Bone marrow is the final place in your anatomy. The word of the Lord enters into your bone marrow and stays there. It enters into your DNA and begins to resequence your DNA. Hallelujah. To Parmeshwar ke kalam se bharna apne dil ko. Hallelujah. के वचन पे, और आपकी जो थॉट्स है ना सोल के अंदर, हर पल आपने उस पर नजर रखनी है। जब भी कोई विचार आ रहा है जो मसीह के विचार से मेल नहीं खाता, अंदर अपने और यीशु मसीह के चरणों में ले आना और उसे यीशु मसीह का गुलाम बनाना, और उन विचारों को यीशु मसीह के विचारों से रिप्लेस करना। यीशु मसीह के विचार हैं यहोवा का कलाम। हालेलुया, ये है आपकी अंदरूनी स्पिरिचुअल बैटल, सोल के अंदर जो बैटल चल रही। आपके जान में एक लड़ाई है, विचारों में शैतान आके आपको भटकाता है, भरमाता है। तो आपने प्रभु, इसीलिए कहता है प्रभु, कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, इसीलिए मेरे राह तुम्हारे राह नहीं है। यशाया नबी कहता है माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, नीदर माई वे इज योर वेज। सो द थॉट्स ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। दिस वर्ड मस्ट सिंक so deep inside that it should reside in your bone marrow. The thoughts of God must become your thoughts, and when the thoughts of God become your thoughts, then you will begin to learn to walk in the ways of the Lord. You know, thoughts determine the way. प्रभु कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, इसलिए मेरे राह तुम्हारे राह नहीं। कब प्रभु के राह पे आप चलोगे? जब प्रभु के विचार अर्थात प्रभु का वचन आपके दिल में जगा करेगा। हालेलुया, तो प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने अंदर वास करने दीजिए। केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअली मेंटली सेंटर्ड क्रिश्चियन होते हैं, उन्होंने आयतें बहुत याद की होती हैं लेकिन उनके अंदर नहीं उतरा होता कलाम। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, सभी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लहू की जय जयकार करता हूँ। खुदावंद खुदावंद इन दिनों में हम आपके हजूर में ठहरें, आपकी उपस्थिति में आएं, प्रभु आपको और नज़दीकी से जानें, और आप हमें धोएं, हमें शुद्ध करें प्रभु, हमारे अंदर से सारी मलिनता निकालें प्रभु जी, हमारे अंदर खुदावंद प्रभु जी सब कमियां घटियां, खुदावंद यीशु मसीह हमारे वजूद की गहराइयों में आपका पवित्र आत्मा उतरे। खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू से हमें अंदर से शुद्ध कीजिए, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी इंटेंशन, हमारी डिज़ायर को यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध कीजिए। हम अपना जीवन आपके चरणों में देते हैं यीशु मसीह, आपके चरणों में अपना जीवन देते हैं, हम आपको समर्पण करते हैं अपनी रूह जिस्म जान। मैं समर्पण करता हूँ प्रभु आपको अपना रूह जिस्म जान, मेरे देह को धोएं अपने लहू से करें, मेरी जान को शुद्ध करें खुदावंद,
हालेलुया, मेरे ख्यालों को, मेरे ख्वाबों को, मेरी ख्वाबगाहों को शुद्ध करें खुदावन। खुदावन मेरी सब कॉन्शियस माइंड जहाँ पे ड्रीम पैदा होते हैं वहाँ पे आपका पवित्र आत्मा डेरा करे खुदावन। प्रभु यीशु नासरी मैं आपके दूतों को खोलता हूँ खुदावन, फ्रेश एंजल्स भेजें, रिफ्रेशिंग एंजल्स भेजें खुदावन मेरे इर्द गिर्द, मेरे परिवार के इर्द गिर्द। मैं अपने बच्चों को, तीनों को तेरे खून में छिपाता हूँ, अपनी पत्नी को, अपनी माता को तेरे खून में छिपाता हूँ, मैं अपनी पत्नी के घराने को, उनकी माता को, उसके भाई को तेरे खून में छिपाता हूँ। और खुदावन मैं अपने दोनों भाइयों को, उनके खानदानों को आपके लहू में छिपाता हूँ। पास्टर सतपाल जो मेरे साथ हैं उपवास में, उन्हें, उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। आज बहुत से लोग उपवास रखे हुए हैं खुदावन, जिन जिन ने उपवास रखा है, कुछ उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोगों को जॉब पर जाना है उपवास रख के गए। खुदावन मैं उन सबके लिए दुआ मांगता हूँ, यीशु मसीह अपना करुणामयी हाथ उनके ऊपर बढ़ाइए, यीशु मसीह अपने लहू में ढांकिए। जिन लोगों ने उपवास रखा है उन्हें खुदावन इंटरनल स्ट्रेंथ दीजिए यीशु मसीह, हालेलुया। फूड की क्रेविंग ना आए उन्हें खुदावन, हालेलुया। देह की खुदावन भूख के ऊपर आपका आत्मा जैवंत हो। मैं आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावन, अपने लोगों को ब्रेक थ्रू दे जिन जिन एरिया में अपने जीवन के उन्हें ब्रेक थ्रू चाहिए, जो जो प्रार्थना बिनतियाँ निवेदन आपके आगे रख रहे हैं खुदावन, मैं उन्हें आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जसपाल सिंह के लिए, जसपाल सिंह की पत्नी के लिए उन्हें आपके खून में छिपाता हूँ, पवित्र कौर को आपके खून में छिपाता हूँ, इसके घराने को खून में छिपाता हूँ। लॉर्ड आई प्रे फॉर हरदीप सिंह, आई ब्रिंग हिज हाउस होल्ड एट द फुट ऑफ द क्रॉस। आई प्रे फॉर लॉर्ड मिशेल आर एंड्रूज, आई स्पीक योर ब्लेसिंग, आई स्पीक द फेवर ऑफ याहवे, एंड लॉर्ड आई बाइंड दिस पर्सन विद द ब्लेसिंग Lord, that you bestowed upon, the covenantal blessing that you gave to our father Abraham. Hallelujah. Lord, I bring Archana Srivastav at the foot of the cross. Lord, I pray for Chandar Mohan. I bring him and his household under the blood of the cross. Shabnam Guria, Lord, I cover under the blood. Sabi Surjeet, I cover under the blood. Pray for Amit Sam, Jasveer Singh Surinder. I pray for Komal Masi and her household. Lord, give them breakthrough that they need, Lord, particularly, Lord, breakthrough in the area of her husband's job. May he find a job sooner than he anticipated by the power of your spirit, Lord. Lord, I pray, I bless Brother Sahil, bless his father, bless his family, Lord, in Pakistan. May your hand be over Brother Sahil. Bless Amarjeet Kaur, bless our children and their children, Lord, in the name of Jesus. Bless Anita Rani, I speak the blood of the Lamb over her. Bahadur Singh Akash, Lord, I speak the blood of the Lamb. I pray for Manjeet Masih, Lord, bless this gentleman. Bless his life, Lord Jesus. I pray for Bobby Art and his brother who is Pastor Charanjeet. I cover them under the blood of the Lamb, Lord. I pray for Paramjeet Chand, Lord. I speak your blessing, your anointing and your favor over her life in the name of Jesus. Pray for Sunita Guria Kansavar. May your hand be upon her, upon her husband in the name of Jesus. Lord, these guys are fasting. Strengthen them, Lord. Energize them and flood their hearts with your joy and your presence. Jasveer Singh Surinder, Lord, I pray in the name of Jesus for Jaswant Singh. May your hand be upon Jaswant Singh, Lord. I pray for your servant Amrish Kumar. Bless him. Bless his wife, Lord. Bless his newly born child. May your hand be upon him. I pray for Brother Lalit Mehra. Lalit Mehra's wife, Lord, that she would get to know you. Lalit Mehra's daughter. Lord, I speak your blood anointing, blood unction over Lalit Mehra's daughter. In the name of Jesus, over his son, over his mother, father, over his in-laws, Lord. I pray, Lord, that you will give him a nice house, better than he, Lord, even thought is possible. Lord Jesus, I pray in the name of Yahusha HaMashiach for Tanuja Seth. Bless Tanuja Seth. Bless her husband. Heal her body, Lord. May your peace rule their heart. Lord, it is the shalom that determines the quality of life we live. It's not the money. It's not earthly resources. But it is your shalom that rules the heart. That signifies the kind of quality of life that we are living upon the earth. May they be flooded with shalom. And Lord, may all their endeavors be blessed, I pray thee, in the name of Jesus. Lord, I pray for Reena Khan, your daughter, and Raman Khan, your son. I speak your blood. I speak your anointing. I speak your favor over them. Lord, I bless Aaron Sugrim, Lord, that your hand be upon Aaron Sugrim.
I pray, Lord, over Minu Sood, Minu Sood's husband. Speak your blessing and anointing and favor over them. Lord, I bless Gurdeep Singh. May your hand be upon Gurdeep Singh. I pray for Gaurav Samuel and his family in Chandigarh. May your hand be upon them in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, bless Diljit Singh. Prosper his business. The business Diljit Singh that and his father that they do, bless him, Lord. Lord, make him grow exponentially in your kingdom. Hallelujah. Khudavand Sabi Surjeet ke gharane ko, Khudavand aur bhi jo log online hai, sara ko, main aapke khoon mein chipata hoon. May your hand be upon your people. Lord, I bring my life at the foot of the cross. Lord, cover me under your blood. Put your angels around me, Lord. Energize and strengthen me. Lord, that I walk in your ways, that I walk in holiness, that I walk in righteousness, that I walk with the upright heart, Lord, that I walk in your mizbah, in your commandments. Lord, that the light of Torah shines brighter and brighter in my life. Lord, that my life becomes a beacon of hope and beacon of light in this dark, murky, and turbulent world, Lord Jesus, that we scatter the fragrance of Jesus. Tera dhanyavad karte hain. Lord, surround my home with your angels. Surround my house with your angels, Lord. With your angels. Surround the house of each and every one with your angels. Lord, there are many others who are not online, who are praying with fasting today. I pray for each one of them for your blessing. I cover each one of them under the blood of the Lamb. Tere lahu ki jai jaikar ho. Tujhe jalal dete hain khudavan. Tere naam ko uncha karte hain. Yeshu Masih ke jalali naam mein is dua ko hum mangte hain. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो. Hallelujah. मेरी मदद नु रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया मेरे पैरां नु बख्शे खुलारा मदद लाई यसुनु पुकारा अखियां झुकना हमें वल पहाड़ा मदद लाई यसुनु पुकारा. हालेलुया. 2 बजे मैं फिर वापस आऊँगा. प्रार्थना करेंगे. अभी मैंने कुछ बच्चों के लिए भोजन तैयार करना है. गॉड पुट इन माई हार्ट दैट आई कुक फूड फॉर यू नो सम चिल्ड्रन 13-14 ऑफ देम एंड सेंड देम टुडे. हालेलुया. प्रभु आपको बरकत दे. यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन.